नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, बहुत से दर्शक पूछ रहे थे कि क्या रेल बोर्ड से कोई आरपीएफ की भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि एक लेटर है जो रेल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, वह बहुत तेज़ी से वायरल हो गया है और कुछ लोग समझ रहे हैं कि वह नोटिफिकेशन है। उसके आड़ में, जो लेटर है उसके आड़ में, कुछ लोग नोटिफिकेशन, फर्जी नोटिफिकेशन बना करके डाल दिए हैं कि 10,000 भर्तियां निकल चुकी हैं, 20,000 भर्तियां निकल चुकी हैं, इतने दरोगाओं की आरपीएफ, इतने आरपीएफ के आरक्षकों की भर्तियां निकल चुकी हैं। मैं खुद स्वयं ना जाने कितने न्यूज़ जो आती हैं, न्यूज़ पर देख चुका हूँ, हर जगह देख चुका हूँ मैं। तो इस संबंध में बहुत से दर्शक पूछ रहे थे, ये इसमें सत्यता क्या है? दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो पत्र जो जारी किया गया है, वह वाकई रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। वह पत्र सिर्फ इसलिए जारी किया गया है कि पहले जो आरपीएफ आरक्षक व सब इंस्पेक्टरों की जो भर्ती प्रक्रिया होती थी, वह भर्ती प्रक्रिया आरपीएफ के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती थी। अब उस भर्ती प्रक्रिया को जो है रेलवे आरपीएफ चाहता है कि उसको आरआरबी करवाए। यानी कि पहले क्या होता था कि जब भर्ती प्रक्रिया होती थी, वो आरपीएफ के द्वारा टेस्ट भी करवाया जाता था। कौन सा? एंट्रेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, उसके बाद उसका फिजिकल टेस्ट भी आरपीएफ के द्वारा करवाया जाता था, उसका मेडिकल टेस्ट भी आरपीएफ के द्वारा करवाया जाता था। लेकिन अब इस तरह से प्रपोज किया है कि अब जो रिटन टेस्ट है वो आरआरबी करवाए, जो आरआरबी के थ्रू रिटन टेस्ट हो और फिजिकल व मेडिकल आरपीएफ के द्वारा करवाए गए। हालांकि ये सिर्फ केवल एक लेटर है, इसमें कमेटी गठित की गई है। कमेटी जो है अपने व्यूज़ बताएगी, अपने तथ्य बताएगी और रिपोर्ट प्रेषित करेगी। उसके बाद तब कहीं जा करके फाइनल होगा कि आरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया क्या रहेगी। फिलहाल जो आरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया है, वही पुरानी वाली भर्ती प्रक्रिया है, जिसके जिसके संबंध में मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा और विस्तृत तौर पे बताऊंगा कि जो है आरपीएफ की भर्ती किस तरह की जाती है, क्या उनकी लंबाई रहती है, क्या चेस्ट रहता है, फिजिकल में क्या होता है, रिटन में क्या होता है, सब बताएंगे हम आपको। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन जो फर्जी जारी हैं, किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। आप लोग कहीं साइबर क्राइम के शिकार ना हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि अभी पता चला आपको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, पता चले कोई लिंक आ रही है इंटरनेट से कि आप जो है 800 रुपये पे करो, अपना फॉर्म पे करो और ये सब चॉइस, कुछ भी जो है साइबर फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, आप परेशान ना हो। जब भी आरपीएफ की भर्ती आएंगी, हम आपको पक्का सबसे पहले बताएंगे। तब तक आप तैयारी करते रहें। आरपीएफ की तैयारी पता ही है आपको, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। मैथ, रीजनिंग, जीके आप करवाइए, 120 नंबर का एग्ज़ाम आता है। आप जब तक इसकी तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए। आरक्षकों के लिए 1600 मीटर की दौड़ होती है 5 मिनट 45 सेकंड में, लॉन्ग जंप रहती है लगभग 12 फुट, सब विस्तृत में बताऊंगा आपको। तब तक आप इसकी तैयारी कीजिए। और तैयारी आप एसएससी जो पैटर्न रहता है, रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश, आप उसकी तैयारी करते रहिए। आप उसकी तैयारी करेंगे, आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। आप चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सीपीओ का एग्ज़ाम हो, आप कोई भी एग्ज़ाम निकालते रहेंगे। इसलिए आप तैयारी करते रहिए, अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, आप कहीं साइबर क्राइम के शिकार ना हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।